था, सर बोले थे का कि जाओ खिड़की बंद करने, उसके बाद हम खिड़की बंद करे तो उसी सर के मारे बंद कर दिए थे, मेरा पैंट सरका दिए थे, हम चिल्लाने लगे थे और रोने लगे थे। तो उधर सर जी गेट को बंद कर दिए, गेट को बंद करके हमारे बच्चे का लंगा कर दिए। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एक स्कूल में 5वीं क्लास की छात्रा से हेडमास्टर ने रेप करने की कोशिश की। वो रेप करने में शायद कामयाब भी हो भी जाता, लेकिन तभी छात्रा चिल्लाने लगी। बच्ची का शोर सुनकर वहां दो महिलाएं आ गईं, उन्हें देख हेडमास्टर भाग गया। जैसे ही बच्ची ने आप बीती घर वालों को सुनाई तो बात गांव तक फैल गई। हेडमास्टर फिलहाल फरार है, उसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश जारी है। मामला रघुनाथपुर दोनवार पर्दा नशी के प्राइमरी स्कूल का है। आरोपी हेडमास्टर का नाम मोहम्मद मजहर जिशान है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बच्ची स्कूल में पढ़ने गई थी, वहां छात्रा से हेडमास्टर ने स्कूल के अंदर रेप करने की कोशिश की। मेरे सर हमसे खेल रहे थे तो सर बोले थे का कि जाओ खिड़की बंद करने, तो हम गए थे खिड़की बंद करने, तो उसके बाद हम खिड़की बंद करे तो उसी सर के मारे बंद कर दिए थे। अच्छा। और मेरा पैंट सरका दिए थे, कोई सी हम चिल्लाने लगे थे और रोने लगे थे तो आंटी आई थी। कौन आंटी आई थी? आसमान नसरा आंटी। खिचड़ी वाली आई थी? फिर क्या बोले खिचड़ी वाली? कुछ नहीं, सर को कुछ नहीं बोले? गेट खोली। और कुछ नहीं ना किया आपके साथ? बच्ची की माँ के मुताबिक वो सर के डर से किसी को कुछ नहीं बता रही थी, दो दिन से काफी परेशान थी। पूछने पर उसने रविवार को घर में सब कुछ बताया। ये भैया है कई दिन से मजहर सर जी हमारे बच्चा को धीरा रही थी, समझे, हमारी बच्चा नहीं जा रही थी पढ़ने। हम बच्चा को बोले कि काहे नहीं जा रही पढ़ने, तो ये हमको बता ना रही, बोली पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो उसको मारने लगा ये करे। तो कल गई थी पढ़ने, परसों जुमरात के दिन, जुमरात के दिन पढ़ने गई तो हमारे बच्चा के साथ घटना करी कि उसको कहा कि खिड़की खोलो बंद करो, शिवरन को गई खिड़की बंद करने, तो मजहर सर जी गेट को बंद कर दिए, गेट को बंद करके हमारे बच्चे का लंगा कर दिए। तो खिचड़ी वाली है सो हमारी बच्चा रोने लगी चिल्लाने लगी, तो खिचड़ी वाली जाकर गेट पीटी, एगो घास काटने वाली थी सो जाकर बचाई है। कितने दिन पहले की ये घटना है? 3 दिन पहले की घटना है। 3 दिन में आपको बच्ची आपको नहीं बताई थी मारने के डर से। स्थानीय लोगों ने रविवार को स्कूल में बैठक बुलाई, बैठक में आरोपी हेडमास्टर को बुलाया गया लेकिन वो सामने नहीं आया। इसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और स्कूल पर हंगामा शुरू कर दिया, फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। संक्रमण का जो प्रयास किया ये सबसे बड़ा अपराध, एक माँ बाप छोटे छोटे बच्चा गुरु के यहाँ भेजता, जो गुरु शिक्षा का सबसे पहला कदम होता है वो विश्वास पर भेजता है कि यहाँ पर बच्चा को अच्छा शिक्षा मिलेगा, लेकिन अगर गुरु ही हैवान बन जाए तो ये सब बड़ा दुष्ट क्या हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा घिनौना कार्य, तो कोई माँ बाप भेजने से, बच्ची को भेजने से, शिक्षा से भेजने से सिर्फ कतराएगी, वो दूर हो जाएगी। सुनने में आया है कि इससे पूर्व भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था। हमें भी सुनने में आया है जो किसी तरीका से ये मामला को सुलटा लिया गया था, लेकिन ये बार बार करने से तो ये तो भेड़िया है, ये तो इसको बोलिए भेड़िया, भेड़िया ये लत लग चुका है। ऐसे लोग को जितना भारत का दंडनीय, जितना इस तो पास को तो ऑटोमेटिक लगेगा, जो घोर अपराध है जो भी है वो कानूनी कार्रवाई। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है, आरोपी फिलहाल फरार है, उसकी तलाश की जा रही है।